अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला सबको रमज़ान मुबारक करे और रहमत व बरकतों वाला साबित हो, सारी दुनिया पे अपनी रहमत हो, अल्लाह ताला सारे को बीमारी से निजात दिलाए। और अब हम आज रमज़ान की तैयारी करने लगे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा चले आज पहला रमज़ान है तो बनाते हैं हम दही बड़े। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि उसके लिए क्या चाहिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास माश की दाल है, इसे मैंने भुगो दिया हुआ है, रात का भुगो दिया हुआ था, मतलब आपको 4-5 घंटे 6 घंटे जो है ना भीगी हुई होनी चाहिए। ये माश की दाल है, मूंगी की है और ये माश की है, हाफ हाफ कप है, मैंने इनको भुगो दिया। अब मैं इनको पीस लेती हूँ और फिर बाकी प्रोसीजर जो है वो फिर आगे करती हूँ। ठीक है, तो अब ये देखें मैंने पीस ली यहाँ पे दाल, ये तो अब इसको पीस के पेस्ट बना लिया इसका थिक सा। पानी नहीं डालना पीसते वक्त आपने बिल्कुल भी इसमें, ठीक है। तो अब मैंने इसका ठीक सा पेस्ट बना लिया, मैं इसको अच्छी तरह से जो है ना फेंटूंगी इस तरह से एक ही साइड पे, ज़्यादा नहीं। ये करके तो मैं इसको जो है ना 5-10 मिनट के लिए रख दूँगी, स्टे दूँगी, उसके बाद फिर मैं बाकी बताती हूँ आप। साथ ही इसमें सॉल्ट डालना चाहें आप थोड़ा सा सॉल्ट डालें अपनी मर्जी से, और ब्लैक पेपर डालें, क्योंकि मैं नहीं सॉल्ट डाल रही तो इस वजह से अगर आप डालना चाहें तो यहाँ पर सॉल्ट और ब्लैक पेपर ज़रूर डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम स्टे देते हैं तो फिर बाकी बताते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा देखें इसको मैंने फेंट लिया अच्छी तरह से, आपने इसको फेंटना होता है। ठीक है, फेंट के उसके बाद आप इसमें पानी लें, उसमें थोड़ा सा ये ग्राइं, उससे क्या होगा कि पता चल जाएगा कि ये हमारे कैसे सॉफ्ट बनेंगे तो कैसे बनेंगे। ठीक है, अब ये देखें ये ऊपर है, ये डीप नहीं हुआ, डूबा नहीं है अंदर, तो इसका मतलब ये अच्छे बन गया हमारा, ये तैयार हो गया मटीरियल। तो अब हम इसको फ्राई करते हैं, और फ्राई हमेशा जो है ना लाइट लो फ्लेम पे, मीडियम पे आप करें ताकि अच्छी तरह से अंदर से कुक हो जाए। चलिए फ्राई करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे हम इसको फ्राई करते हैं अपने, ये छोटे छोटे से डाल रही हूँ मैं, आप अपनी मर्जी से जितना चाहें डाल सकते हैं। ओके, तो ये हमारे बन गए हैं दही बड़े। तो अब हम इसको पानी में इसको डिप करेंगे, और अगर आप ज़्यादा रखें तो इसको फ्रीजर फ्रीज कर दें जिप लॉक बैग में, तो ठीक है, आपके जब दिल चाहे जितने दिल चाहे निकालें और बना लें इसको, वह इसमें डिप करके तो इसमें दही डाल के तो फिर आप। तो यहाँ पर मैंने योगर्ट ले लिया, इसको मैंने जो है इसमें इसको पतला कर लिया दूध डाल के, आप चाहें इसमें हमेशा पतला योगर्ट डालें आप प्लीज़, कभी भी ठीक ना डालें क्योंकि इन्होंने पीना होता है, तो इसलिए इसमें पतला ही डलेगा। तो अब ये बन गए हमारे मज़ेदार से दही बड़े। तो उसके बाद ये चटनी मैंने आपको बताई भी है पहले, वो डालें ऊपर। ठीक है, चाट मसाला डालें उसके ऊपर। ठीक है, ये आप जो जो डालना चाहे डाल सकते हैं। ये बन गए हमारे मज़ेदार से दही बड़े। तो अब आप बनाएं, खाएं, खवाएं, खिलाएं, इंजॉय करें, रमज़ान अल्लाह ताला सबको मुबारक करे, और बना के आप फ्रीज कर लें तो सारे रमज़ान इजीली आप खा सकते हैं। तो चलें हम बना लिए, अब आप बनाएं। अल्लाह हाफिज़।